तजम्मुस से आज इम्यूनिटी बूस्टर में आपके लिए हल्दी के लड्डू बनाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए हल्दी, अदरक, अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है, घी, दूध और सूजी। हल्दी को हम ग्राइंड कर लेंगे। हमें सिर्फ एक ही चम्मच घी लेना है। घी गर्म होने के बाद हम इसमें अदरक डालेंगे। इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसमें क्रिस्पीपन आ जाए। हम इसको बाहर निकालेंगे। बचे हुए घी में हमने सूजी डाल देनी है। सूजी हमारी भुन गई है। अब इसमें हम हल्दी की पेस्ट को डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है। हमारी हल्दी भी अच्छे से भुन गई है। अब इसमें दूध मिलाना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें लंप्स नहीं रहने चाहिए। इसमें हमने अदरक डाल देना है अपना। इसको हमने फ्राई किया था। ये ड्राई हो रहा है, दूध सूख गया है। अब हम गैस ऑफ कर लेंगे। अब इसमें कटे हुए बादामों को मिक्स करना है। बंद गैस में ही अब हम 2 चम्मच शहद मिलाएंगे। शहद को अच्छे से मिक्स करना है। हमें ध्यान रखना है जितना हमने घी लिया था उससे ज्यादा ही शहद होना चाहिए। घी और शहद की मात्रा बराबर नहीं होनी चाहिए। इसको मैंने प्लेट में निकाल दिया है। अब इसके गोले बनाने हैं। ये हमारे हल्दी के लड्डू रेडी हैं। आप इसे सर्दियों में खा सकते हैं। अगर आपका गला खराब हो जाए तो उसके लिए भी ये फायदेमंद है क्योंकि इसमें अदरक और शहद है। ये हमारी इम्यूनिटी तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन हमें सर्दियों से भी बचाते हैं। ये हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है, जॉइंट पेन्स में भी काफी इफेक्टिव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।